इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन का सलूशन जिसको मैंने लिया हूं टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 21 में यह आस्क किया गया, जून 2021 में रिसेंटली इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जो कोर्स कोड होगा MEC 101, जिसका नाम है, टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, कैरी करेगा 8 मार्क्स। और इसका जो ए पार्ट्स का वीडियो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक्सेस कैपेसिटी का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8B, आ मोनोपोलिस्ट ऑपरेट अंडर टू प्लांट्स 1 और 2, और जो मार्जिनल कॉस्ट है दोनों प्लांट का दिया गया है MC1, जो इंडिकेट कर रहा है ये प्लांट 1 का मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है, और MC2 जो दिया गया है मार्जिनल कॉस्ट फॉर प्लांट 2 का। यहां पर Q1 और Q2 आप देख सकते हो, Q1 एंड Q2 रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस किया जाता है प्रत्येक फॉर्म के द्वारा, ठीक है। और यहां पर एक चीज और दिया गया है, इफ प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ए गिवन, यानी प्रोडक्ट का प्राइस को दिया गया है इक्वेशन में, जो यहां देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, हाउ मच शुड द फॉर्म, ठीक है, प्लांट टू प्रोड्यूस इन इच प्लांट, माने इच प्लांट में कितना फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, दो प्लांट से उस मोनोपोलिस्ट कितना प्रोड्यूस करेगा इच प्लांट में, आपको क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय इच प्लांट आपको बताना है, यानी मोटा मोटी Q1 और Q2 का वैल्यू निकालनी है, एंड व्हाट प्राइस, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड इट प्लांट टू सेल द प्रोडक्ट। यहां पर Q1 Q2 का वैल्यू निकालना है और फाइनली आपको प्राइस निकालनी होगी, ठीक है, पी का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा कैंडी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक दें अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, ठीक है। और इसमें मैं सॉल्यूशन को इतना ईजी करके बताऊंगा कि आपको बस आवश्यकता है पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए, यू नीड टू वॉच माई वीडियो टिल एंड, ठीक है, अंत तक वीडियो को देखें, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो एक एसएनएसएल फ्यूचर होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, MR = MC, हमारे पास 2 MC है, ठीक है, और इसी पर हम फर्स्ट ऑर्डर और ये FOC कंडीशन हो गया। सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होता है, स्लोप ऑफ MR, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, लेस देन स्लोप ऑफ MC। मैं ये दोनों कंडीशन को देखूंगा और इसी कंडीशन से निकाल कर हम Q1 Q2 का वैल्यू निकाल के फाइनली Q1 Q2 के वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा और ये प्राइस जो दिया गया है उसमें बैठा देंगे, ठीक है। तो जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ी है, लंबा चौड़ा है, ठीक है, तो वो वाइटल इंफॉर्मेशन को मैं सेपरेटली लिख लेता हूं और वो सारा चीज इन सर्कल किया हुआ है। तो ऑलरेडी ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है, तो मैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पहले लिखता हूं। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आपका दिया गया है पी, यहां पर पी नहीं दिया गया था, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इतना दिया गया, तो यानी पी डिनोटिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 20 - 3 × Q1 + Q2, ठीक है। उसके बाद MC1 मैं लिख देता हूं, MC1 यानी मार्जिनल कॉस्ट फॉर फॉर्म 1 20 + 2 Q1। अब यहां पर हमारा हो गया क्लियर, अब एक MC2 को लिखता हूं, MC2 = 10 + 5 Q2। अब हमारा इसी इंफॉर्मेशन पर हम निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्राइस हमारा हो ही गया है, तो प्राइस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आगे हम लिखते हैं। उसके बाद सेपरेटली दोनों प्लांट का हम निकालेंगे, प्लांट वन और प्लांट टू, ठीक है। तो एक ही मोनोपोलिस्ट है, वो 2 प्लांट का मालिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पी दिया गया है, पी इस तरह दिया गया है 20 - 3 Q1 + Q2।
अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, 20 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, 3Q1 माइनस 3Q2। अब हमारा दोस्त ये पी निकल गया, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्लांट वन पर हम काम करते हैं, ठीक है, फॉर प्लांट वन सेपरेटली करते हैं। तो प्लांट वन में हमारा ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि हमारा जो प्लांट वन में सिर्फ MC1 दिया गया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन दिया गया है, लेकिन MR1 तो हमारा नहीं दिया गया, इसलिए TR1 हमको निकालना पड़ेगा। तो TR1 मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू फॉर प्लांट वन, ठीक है। तो P × Q1 Price × Quantity, तो P का वैल्यू हमारे दोस्त यहाँ दिया गया है 20 − 3Q1 − 3Q2। अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, Q1 से, यहां करते हैं तो 20 Q1 − 3Q1² − 3Q1 × Q2। ये जो हमारा निकल गया TR1 निकल गया, टोटल रेवेन्यू फॉर प्लांट वन। अब इसकी डेरिवेटिव ले लेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू Q1, ठीक है, तो ये MR1 दे देगा, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 20 होगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6Q1 होगा और यहाँ होगा 3Q2। अब ये जो हमारा निकला है ये MR1 निकल गया है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिए, ये MR1 निकल गया है। अब ये MR1 जब निकला है, प्लीज म्यूट, MR1 जब निकला है तो हम जानते हैं वी नो दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपोली, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर द मोनोपोली सबको पता है, MR1 = MC1, चूंकि हम MR = MC होता है, लेकिन हमारे पास दो प्लांट है तो पहला प्लांट को मैं इक्वेट कर रहा हूं, ठीक है, और ये जो कंडीशन होगा वो FOC होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है ये, ठीक है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो आप यहां देखो MR1 का वैल्यू हमारे पास ये निकला है 20 − 6Q1 − 3Q2 और MC1 का वैल्यू हमारा क्वेश्चंस में ही दिया गया है 20 + 2Q1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम आसानी से एक इक्वेशन निकलेगा, क्योंकि दो वेरिएबल का ये इक्वेशन है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जो Q1 माने वेरिएबल का जो Q1 Q2 वाला कोफिशियंट को एक तरफ रखते हैं और विदाउट कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये −6Q1, ठीक है, और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरफ MC दिया गया है, MR1 दिया गया है, दूसरी तरफ MC1 दिया गया है, ठीक है। तो 6Q1 इसको लिखा मैंने, ठीक है, माइनस इसको लिख रहे हैं 3Q2, और ये 20 अपनी जगह पर रहेगा भैया, और ये 20 इधर जाके −20 हो जाएगा, और एक चीज छूट ही गया ना, ये +2 जो Q1 है इधर आएगा तो −2Q1, और ये 20 अपने जगह पर है, और ये 20 आके इसका साथ देगा माइनस में, ठीक है। अब यहां पर हम जोड़ सकते हैं, ये और ये एडअप हो जाएगा, तो −8Q1 − 3Q2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस हम कॉमन ले लेंगे यहां से −1, तो 8Q1 + 3Q2 हमारा आएगा। अब ये −1 को उधर हम डिवाइड कर देंगे 0 से, तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल हमारा एक इक्वेशन बन के आ रहा है 8Q1 + 3Q2 = 0, और ये जो हमारा हुआ हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, पहला बात। अब दूसरा, ये SOC में हमारा क्या होगा कि जो स्लोप ऑफ MR, ठीक है, स्लोप ऑफ MR1
लेस देन स्लोप ऑफ MC1। अब ये होता क्या है स्लोप, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम MR1 का लेंगे या किसी भी चीज का लेते हैं उसका स्लोप को बताता है। तो ले लो भैया MR1 किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में, लेस देन MC1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ MC1 विद रिस्पेक्ट टू Q1। अब यहाँ आप ऑब्वियसली देख लो कि अगर हम Q1 के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का लेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर हम लेंगे तो कितना, ये यहीं पर पहला ही हम देख लेते हैं तो कितना आएगा। तो ये दोनों ये दोनों को सेपरेटली भी लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से -6 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है -6 यहां पर आ रहा है -6 -2। कैसे आ रहा है भैया, हम Q1 के रिस्पेक्ट में ये वाला का हम ले रहे हैं MR1 का, तो Q1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो यहां -6, ये 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव में, अदर फंक्शन को हेल्ड कांस्टेंट रहा, -2 आ गया। और इधर लेंगे भैया तो क्या आएगा, इधर लेंगे ये Q1 का तो थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा ये वाला पोर्शन का हमको लेना था, ठीक है। तो यहां से Q1 में 6 आएगा, सॉरी ठीक है, यहां से हम Q1 में, अगर Q1 के रिस्पेक्ट में MR1 का हम डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव Q1 के रिस्पेक्ट में -6 होगा, क्योंकि 20 जो है आपका वो आपका 0 हो जाएगा और Q2 का जो कोफिशियंट है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अदर वेरिएबल को कॉन्स्टेंट रखा जाता है, सॉरी ठीक है। फिर लेस देन, अब इसका लेंगे भैया तो 2 आएगा Q1 के रिस्पेक्ट में। तो देख लो स्लोप ऑफ MR1 लेस देन स्लोप ऑफ MC1, ठीक है। तो हेंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑल्सो सैटिस्फाइड, ठीक है। तो हमारा अब काम हो गया, तो ये वाला जो इक्वेशन आया हम उसको लिख लेते हैं। अभी मैंने काम किया है प्लांट 1 के साथ, तो 8Q1 प्लस 3Q2 इक्वल टू 0। अब मैं काम करूंगा प्लांट 2 के साथ, ठीक है। तो प्लांट 2 में सारा चीज हमारा वेरिएबल वगैरह चेंज होगा, TR1 के जगह TR2 होगा। तो इसी तरह सिमिलरली हम प्लांट 2 का भी सॉल्व करके एक इक्वेशन लाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको माना था। अब प्लांट 2 के साथ करेंगे तो TR2 चाहिए, क्योंकि MC2 तो हमारा दिया गया है यहाँ पर। तो P को अब Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P का वैल्यू क्या है भाई, 20, ये वैल्यू है 20 -3Q1 -3Q2, और फिर Q2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 20Q2 -3Q1 -3Q2 2 स्क्वायर। अब जैसे ही TR2 निकल जाएगा तो मेरा नेक्स्ट टास्क किसके लिए कर रहे हैं, MR2 यानी मार्जिनल रेवेन्यू फॉर प्लांट 2 निकालेंगे। तो इस फंक्शन TR2 को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, Q2 का, ठीक है, आउटपुट फॉर प्लांट 2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा 20 होगा, -3Q1 होगा, और यहाँ पर 6Q2 होगा। तो ये हमारा जो अब निकल गया, ये MR2 निकल गया, और मैं जानता हूँ कि अंडर द मोनोपोली जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, MR=MC। तो यहाँ पर हमारा प्लांट 2 है, इसलिए MR2=MC2। अब ये दोनों का वैल्यू हमें पता हो चुका है, MR2 का वैल्यू हमारा ये है 20 -3Q1 -6Q2, और MC2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 10 + 10 + 5Q2, यही है। अब यहां पर क्या है, ये FOC है, हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशन यही क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या होना चाहिए कि जो हमारा स्लोप ऑफ जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा
ठीक है, उसका स्लोप कैसे निकलेगा, जस्ट हम डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ प्लांट टू, वो लेस देन होगा एसओसी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अंडर द मोनोपोली, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है। तो फिर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑफ एमसी टू विद रिस्पेक्ट टू क्यू टू, ये होना चाहिए। देखिए ऑटोमेटिकली आपको ये दिख जाएगा, एमआर टू को आप लोग एक क्यूट्यूब के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो चूंकि क्यू ये कांस्टेंट के कारण जीरो, और इसमें हम क्या क्यू वन इज द हेल्ड कांस्टेंट वो भी जीरो कर देगा, तो यहाँ बच क्या रहा है, माइनस सिक्स आएगा, ठीक है, और इधर आपका फाइव आएगा, हैंस तो माइनस सिक्स, ठीक है, लेस देन फाइव, तो यहाँ हैंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर द मोनोपोली भी सैटिस्फाइड हो गया। अब नेक्स्ट टास्क है कि इसको सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन की और हम बढ़ेंगे, तो उसी तरह ये वाला टर्म को इधर ही रख देते हैं, माइनस थ्री क्यू वन माइनस सिक्स क्यू टू, ठीक है, और एक ये वाला को हम इधर को इनवाइट कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा तो माइनस फाइव क्यू टू इक्वल टू टेन माइनस, ये टेन एज इट इज रहेगा, इधर से ये जाएगा तो माइनस ट्वेंटी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस थ्री क्यू वन, अब ये दोनों क्यू टूब में है तो एलेवन क्यू टूब हो जाएगा, सिक्स प्लस फाइव एलेवन, और इधर हो जाएगा माइनस टेन, अब इधर से भी माइनस निकाल लो तो थ्री क्यू वन प्लस अलेवन क्यू टू इक्वल टू माइनस टेन, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो फाइनली एक इक्वेशन हमारा बन गया, थ्री क्यू वन प्लस अलेवन क्यू टू इक्वल टू टेन, इट बिकम इक्वेशन नंबर टू। अब जब दो इक्वेशन हमारे पास आ गया तो इस ये एक सेट ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशन है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल क्यू वन क्यू टू। अब आसानी से हम 10 क्लास में भी पढ़े हैं, इलिमिनेशन करके जिस मेथड से आप चाहें उससे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना आसान है, स्टैंडर्ड 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो करके दिखाएंगे एक एक चीज हम। हाँ, सारा कंडीशन भी चेक कर लिया मैंने दोनों प्लांट के लिए, अब तो हम एक एक करके निकालते हैं। तो स्टार्ट किया जाए, आप देखो फिर से वन सेकेंड्स मैं इक्वेशन लिख देता हूं, एट क्यू वन प्लस थ्री क्यू टू इक्वल टू जीरो, थ्री क्यू वन प्लस अलेवन क्यू टू इक्वल टू टेन। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, आपके ऑलरेडी देख रहे हैं इक्वेशन नंबर वन एंड टू, और मैं सिस्टम से क्यूट्यूब को इलिमिनेट करूंगा, तो इसके लिए हमको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर वन को, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर इक्वेशन नंबर टू को हमको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से, तो ऐसा करके हम इलिमिनेट कर सकते हैं क्यूट्यूब को। तो करके देखते हैं, 11 से करेंगे तो 88 क्यू वन प्लस 33 क्यू टू, और ये 0 से करेंगे तो 0 होगा, अब इसको 3 से करेंगे तो 9 क्यू वन प्लस 33 क्यू टू, और ये हो जाएगा 3 से कर रहे हैं 30 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा एक टास्क होता है कि सबको साइन को इंटरचेंज करेंगे, माइनस साइन प्लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट ना कर रहे हैं, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। अब इसमें घटाएंगे तो 79 क्यू वन होगा, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 30। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं पर घबरा जाएंगे, अरे भाई माइनस में कैसे आउटपुट आ रहा है, मैं लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में बताऊंगा क्या है आ रहा है, घबराना नहीं, कुछ अजीब किस्म के देगा, इग्नू हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेगा, अब सही डायरेक्शन में भी हो तो गलत साबित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, ये वाला जो इक्वेशन आ गया तो आप सॉलिड क्यू वन का वैल्यू आप निकाल सकते हो, देयर फोर क्यू वन इक्वल टू माइनस 30/79, ठीक है, 88 में 9 घटाएंगे तो 18, ठीक है, 89 और वहाँ, ठीक है। अब हम क्यू वन का जब वैल्यू निकाला मैंने, क्यू वन इक्वल टू माइनस 30/79 आ गया, अब ये वैल्यू आ गया तो हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली हम क्यूट्यूब का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि हम लोगों को पढ़ाया गया, वी आर टॉट
इन क्लास 10, ठीक है। 8Q1 माने सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन 1 में हम कर रहे हैं 3Q2। और ये बता भी दिया कि आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा प्लांट 1 से वो होगा इतना के यूनिट के बराबर, ठीक है, इतना यूनिट होगा -30/79। अब माइनस में क्यों है मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाओ, इक्वल टू 0। तो यहां पर हम यही क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आएंगे। माइनस में इसलिए आया कि प्लांट 1 के द्वारा ऑप्टिमल आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहां घटाना पड़ेगा इतना यूनिट अगर वो प्रॉफिट चाहता है मोनोपोलिस्ट तो, ठीक है, पहली बात, इसलिए माइनस में रिजल्ट आया। अब यहां पर मैं Q1 का वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 8 × -30/79 + 3Q2 = 0। अब यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे -8 × 3 = 24 + 0 = 79 + 3Q2 = 0। अब ये क्या है, उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3Q2 = 240/79। अब यहां पर देयरफॉर Q2 = 240/79, और यहां पर देखो यहां मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/3 कर देंगे, फिर काटेंगे तो 80/79 ये Q2 का वैल्यू आया, देयरफॉर Q2 = 80/79। ये जो आउटपुट है इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर्म 2 को, ठीक है, प्लांट 2 में इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहां बढ़ेगा, और लेकिन प्लांट 1 में आउटपुट को इतना घटाना पड़ेगा, पहली बात। अब प्राइस हमको निकालना है, इजीली मैं प्राइस निकाल सकता हूं, ठीक है, तो प्राइस भी निकालता हूं। तो प्राइस आपको दिया गया है P = एकदम क्वेश्चंस में दिया गया है 20 - 3 Q1 + Q2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का सलूशन हो गया, इक्विलिब्रियम आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 इज इक्वल टू Q1 = -30/79 Q2 = 80/79। तो यहां भी करते हैं 20 - 3। अब ये Q1 और Q2 का वैल्यू मेरे दोस्त बैठाते जाओ, -30/79 + 80/79 यही वैल्यू है Q1 Q2 का। अब ये दोनों का आप ये देख सकते हो, 3 से तो मल्टीप्लाई होगा, दोनों का बेस सेम है तो 79, और ये आप -30 + 80, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा तो बाद में हम देखेंगे, यहां पर 20 - 3, यहां पर 50 होगा, ये दोनों में माने 30 रुपया कर्जा है आपके पॉकेट, कर्जा यानी माइनस में 80 रुपया आपके पॉकेट में, तो 50 रुपया आपको कर्जा देने के बाद बचेगा, वही 50/79 आ गया। इसके बाद आप यहां एलसीएम लोगे 79, तो यहां 1 है तो फिर ये 79 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा, एक 0 20 में लगा 150। अब ये दोनों को घटाएंगे आई थिंक तो आपका 1430/79 आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये सलूशन काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा, अगर अच्छा से समझ में आया तो आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम इस ईयर का जून 2021 में जितना भी टर्म इंड एग्जामिनेशन आज के क्वेश्चन है इस पेपर का मैं बनाने का प्रयास करूंगा और मैं बना के दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो फरवरी में जब भी हो, जनवरी फरवरी में 2022 में जब इसकी एग्ज़ाम होगा जो दिसंबर 2021 का, तो उसमें कवर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल एंड जय हिंद।